हेलो फ्रेंड्स, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। फिर देखिए, जब भी हम जाके वीडियो भेजें आपके पास, हमारा वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने केला लिए हैं। तो इस केले जैसे मेरा कच्चा है दोस्तों, इसका आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं सुबह के टाइम में। तो चाय पे देखिए दोस्तों, इसका चिप्स बनाने जा रहे हैं। इसका चिप्स कितने स्वादिष्ट होता है दोस्तों। अब हम केले को ले रहे हैं और यहाँ पे केलों को हम अच्छे से छील लेंगे। दोस्तों, केला के अच्छे से छीलना चाहिए। दोस्तों, जैसे देख रहे हैं, केला को एक साथ में सारे केला नहीं छीलना चाहिए, एक एक करके छीलिए, नहीं तो केला पहले से छील के रखने के लिए काला पड़ जाता है केले पे। अब दोस्तों देखिए, हम इसको काट रहे हैं इसी तरह से। दोस्तों, इसी तरह से हम मशीन को इसमें दबा लिए हैं, इसी तरह से काटते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे देखने हैं, केला चिपक जाता है एक में, तो गर्म तेल में पड़ेगा तो वो छूट जाएगा तुरंत। देखिए, इसी तरह से हम इसको काट ले रहे हूँ। देखिए, मैं इसी तरह से इसको काट ली हूँ। इसका गैस हम स्लो कर देंगे, एकदम गैस मेरा स्लो रहेगा तो अच्छे से केला बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसका कलर कितने चेंज हो रहा है। दोस्तों, इधर हमारा चाय भी हो रहा है सुबह के टाइम पे। चाय मेरा हो गया है तो अब चाय को बंद कर दे रहे हैं हम। अच्छी बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं दोस्तों, इसको चलाना चाहिए बार बार, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो ये जैसे रहता है चिपक जाता है, एक दूसरे में तुरंत चिपक जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से केला का चिप्स हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम अभी आलू का भी चिप्स बना रहे हैं। इसको देखिए, हम इसी तरह से उखाएंगे, एकदम सुनहरा हमारा हो जाएगा, तब इसको हम निकालेंगे। ये दोस्तों जैसे देखते हैं, ताजे चिप्स घर पे बना के खाने पे कितने टेस्टी होता है। तो देखिए, इसका कलर कितने अच्छे लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, जब भी इसको बनाइए आप, गैस को देखिए हम स्लो कर रखे हैं यहाँ पे। तो कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप जल्दी से तुरंत इसको इसी तरह से बना के तीन गिदे के चिप्स खिला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे देखते हैं, इसी तरह से आलू का भी चिप्स बन जाएगा। इसी तरह से आप किसी चीज़ का चिप्स चाहते हैं खाने के लिए, आपको जो पसंद हो इसी तरह से बना लीजिए। दोस्तों देखिए, अब इसका कलर कब तक मेरा हो रहा है देखिए। अभी इसको हम छू के देख ले रहे हैं, अभी थोड़ा नरम है ये। अभी इसको 2 से 3 मिनट और हम पकाएंगे। देखिए, इसको हम इस तरह से उखा ले रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए मेरा चिप्स कितने अच्छे से बन गया है। इसी तरह से हम निकाल ले रहे हैं इसको। इसी तरह से सारे चिप्स हम निकाल लेंगे अपना। देखिए दोस्तों, फिर हम दूसरा चिप्स भी इसी तरह से बना ले रहे हैं। दोस्तों, इसको जितने गर्म तेल में आप डालेंगे उतने अच्छे से आपका उखड़ा जाएगा, चिपकेगा नहीं है। आपका तेल गुनगुना रहेगा तो उसमें चिपक जाएगा। देखिए, हम स्लो गैस इसको कर दिए हैं, इसी में दूसरे भी चिप्स को बना ले रहे हैं। दोस्तों, जैसे देखते हैं, बाहर का चिप्स अजीब लगता है खाने में, घर पर बना के आप देखिए कितने टेस्टी होता है। कम तेल में आपका कम समय में बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम इसी तरह से बना लेंगे चिप्स को अपने। तो देखिए, मेरा चिप्स एकदम चपका नहीं है। आप इसको आँच जैसे आपका स्लो रहेगा, तेल आपका खर नहीं रहेगा गर्म ज़्यादा, तो आपका चिप्स चपक जाएगा एकदम। तो दोस्तों देखिए, मेरा चिप्स कितने अच्छे से यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए, हम तेल में कितने अच्छे से टूट जा रहा है। ये कड़ा है कि मालूम नहीं चल रहा है। देखिए कितनी अच्छे से हमारा चिप्स हो जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से जैसे केला का चिप्स बनता है, इसको काट के धूप में सुखा देते हैं सब लोग, तो कितने ज्यादा दिन चलता है। तो दोस्तों, इसको तुरंत आपको बना के खाना हो तो ताजे केले से तुरंत बना के खाइए। तो दोस्तों, इसी तरह से देखिए, हम आलू के चिप्स बना दे रहे हैं। दूसरे भी आलू इसी तरह से बना दे रहे हैं। तो हम इसी तरह से सारे आलू के चिप्स बना देंगे। दोस्तों, चिप्स जानते हैं सब लोग को कितने पसंद रहता है। अब इसी तरह से देखिए, हम बना दिए हैं। एक काला नमक हमारा है तो काला नमक इसमें हम मिला दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, लाल मिर्चा पाउडर हमारा है, लाल मिर्चा पाउडर को भी मिला दे रहे हैं इसी तरह से।
तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे को मिक्स कर दे रहे हैं रखी में। तो दोस्तों इसमें ऊपर से डाल दिए हैं, तो नीचे भी इसी तरह से मिला दे रहे हैं। तो ज्यादा मिर्च नहीं मिलाना है आपको लाल पड़ रहा मोचे। इसमें देखिए हम नमक को इसी तरह से छिड़ दे रहे हैं, स्वाद अनुसार से हमने नमक डाली है। देखिए इसी तरह से हम मिला दे रहे हैं इसको। तो दोस्तों देखिए जैसे मेरा चिप्स कितनी अच्छे से तैयार हो गया है यार। दोस्तों इसी तरह से आप बना के किसी बच्चों को भी खिला सकते हैं, कोई मेहमान आपके घर पे आए हैं तभी आप खिला सकते हैं, तो बाजार जाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी तरह से देखिए मेरा चिप्स कितने अच्छे से तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म चिप्स दोस्तों इसी तरह से आप बनाइए अपने घर पे। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। फिर हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।